जय हिंद। क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग बुक आरएस अग्रवाल से क्लास 12 में इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं, और इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और उसमें जो पहला टॉपिक आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, उसके प्रॉब्लम को बना रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपका 2A है, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 81 तक पिछले दो वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर चुके हैं, और यह आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 103 तक के प्रॉब्लम को देखेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी अगर आप लोग सारा फॉर्मूला ठीक तरह से याद नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा इंटीग्रेशन का, यहाँ तक कि डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इसके बावजूद क्लास 11 में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लास 9 में जो फॉर्मूले हैं, क्लास 10 में जो फॉर्मूले हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मुश्किल है आगे बढ़ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम जितने भी प्रॉब्लम बनाए हैं तो उसमें आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंटीग्रांट, इंटीग्रांट समझ रहे हैं कि यहां जो भी इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम आपका दिया रहता है और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, तो ये एफएक्स जो है आपका इंटीग्रांट कहलाता है, इंटीग्रांट कहलाता है, और यह जो भी आंसर आता है उसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। तो इंटीग्रांट अगर इस फॉर्म में होता है तो हम वहां पर पुट करते हैं एक्स प्लस बी इक्वल टू टी पुट करते हैं। अब हमको लगता है कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग को प्रॉब्लम होने बता दिया है तो ये सब आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब ये इस फॉर्म का अगर जो आपका इंटीग्रांट हो तो यहाँ एफ एक्स को हम लोग टी मानते हैं, अगर इस फॉर्म का इंटीग्रांट हो तो हम x पर पावर n को t मानते हैं। अगर ये आपका फॉर्म हो इंटीग्रांट का, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू हम लोग t मानते हैं। तो ये चार फॉर्म आपका आर एस अग्रवाल बुक में शुरू में ही दिया गया है, लेकिन इस चारों फॉर्म का एक फॉर्म आप लोग याद रखिए, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि फंक्शन ऑफ फाई एक्स रहेगा, फंक्शन ऑफ फाई एक्स रहेगा, और फाई एक्स का डेरिवेटिव जो है इंटीग्रांट में आप लोग को ढूंढना है। अब देखिए इससे ये टैली कर रहा है, सेम सब के लिए वही चीज है आपका, क्योंकि यहाँ पर फाई एक्स को अगर आप लीनियर रख देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जो है आपका कांस्टेंट आता है, ये आपको डिफरेंशिएशन को प्रेजेंट करता है। फाई एक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई एक्स के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ फाई एक्स, तो यह आपका एफ एक्स पर पावर एन दे दिए तो इसका मतलब हो गया फंक्शन ऑफ फाई एक्स ही है, यानी कि इसको हम फाई एक्स पे पावर एन तो लिख सकते हैं, तो यह हालांकि फंक्शन ऑफ फाई एक्स ही कहलाएगा, और इसका जो है इसके साथ इसका डेरिवेटिव दिया गया है यानी फाई डैश एक्स दिया गया है। उसी तरह से यह भी जो फॉर्म है आपका इससे भी टेली करता है, एफ है फाई एक्स के जगह पर एक्स पर पावर एन समझिए, और इसका डेरिवेटिव फाई डैश एक्स जो कि एक्स पे पावर एन माइनस वन के फॉर्म में है। उसके बाद अगर यह फंक्शन में हम क्या करें, फाई एक्स पर पावर जो है माइनस वन लिख दें तो यह भी तो फंक्शन ऑफ फाई एक्स ही हुआ, यह क्या हुआ फंक्शन ऑफ फाई एक्स ही हुआ, और इसका डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये चीज आपका नीचे आ जाता है, फाई एक्स आपका नीचे चला जाता है क्योंकि पावर जो है माइनस वन है। तो ये चीज़ जो है इसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसको, इस चारों को रिप्रेजेंट आपका करता है यह एक सिंगल फॉर्म इंटीग्रांट जो है। अब इसमें जितने भी प्रॉब्लम बनाए होंगे तो आपको दो तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, एक प्रॉब्लम तो बड़ी सीधा साधा होता है, उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि कौन सा फंक्शन है उसमें और कौन सा उसमें डेरिवेटिव है, और दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, सटे हुए रहते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसमें उसका डेरिवेटिव है।
तो इसके लिए उसमें क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन करना पड़ता है, कुछ सॉल्विंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिसके बदौलत हम लोग जो है डिसाइड कर पाते हैं कि यह आपका फंक्शन हो गया, और उसी के साथ उसके प्रोडक्ट में या उसका कोफिशियंट जो है, उसका डेरिवेटिव उसमें शामिल है। तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम हैं, सारे प्रॉब्लम को मैं आप लोगों को बनाकर बताऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये पार्ट डेरिवेटिव है और ये पार्ट फंक्शन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 82 को आप अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को, तो 82 में आप देख लीजिए, इंटीग्रेशन 2x sec क्यूब x का स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है, और tan x का स्क्वायर प्लस 3 dx दिया गया है, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही आप यहाँ पर पुट करते हैं, ये स्पष्ट है आपका, sec x स्क्वायर प्लस 3 को पुट करते हैं t, तो sec x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो sec x स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan x स्क्वायर प्लस 3 आपका यहाँ पर आता है, और फिर x स्क्वायर प्लस 3 का जो डेरिवेटिव है 2x होता है, dx इक्वल टू dt। अब इसमें आप देखिए, 2x तो आपका है, इसको आप लिख दीजिए sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3, और फिर इसको लिख दीजिए sec x स्क्वायर प्लस 3। क्या किए भैया, ये क्यूब दिया हुआ था, एक बार स्क्वायर और एक बार पावर 1 में लिख दिए, तो इसका मतलब हो गया यही चीज़ हो गया, और इसके साथ हमारा tan x स्क्वायर प्लस 3 भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका ये dx आ जाता है। अब देखिए, ये दोनों पार्ट और ये पार्ट जो हैं सेम आपको यहाँ पे मिल रहा है, बशर्ते कि 2x इसके साथ है, तो यहाँ भी आपका 2x है। तो इसको 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 तीनों को लेकर हम लोग सिर्फ dt लिख सकते हैं, और यहाँ पर sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 है, तो sec x स्क्वायर प्लस 3 को t माने हुए हैं, तो यह t स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर t क्यूब प्लस 3 हो जाता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, डायरेक्ट हमको देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें छिपा हुआ है डेरिवेटिव भी और फंक्शन भी छिपा हुआ है। अब t का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, जो कि आपका है sec x स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब बाय 3 हो गया, अब प्लस c हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव कहने माफ करेंगे डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है, क्वेश्चन नंबर 83 से जितने भी प्रॉब्लम हैं, सारे प्रॉब्लम को हम लोग अपने नोटबुक में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश है कि हर एक प्रॉब्लम का आंसर आप लोगों के पास पहुँचाऊँ, और मैंने ऐसा किया भी, इस एक्सरसाइज में प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है हमने। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं, जहाँ भी आपको दिक्कत है तो आप उस प्रॉब्लम पर जाइए और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी नोटबुक के तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 में जैसा कि देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन साइन 2x बाय a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसमें एक फंक्शन है और एक उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और यह आपका dx हो गया। इसके बाद a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इसमें आप पुट कर दीजिए a प्लस बी कॉस एक्स को अगर आप t पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जो है, a का डिफरेंशिएशन 0 होता है, b आपका कांस्टेंट के तरह है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और इसके साथ हमारा dx जुड़ जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर साइन एक्स dx अगर लेफ्ट साइड में रखें तो माइनस dt बाय b आपको मिल जाता है, किसका वैल्यू, साइन एक्स dx का। तो हम देख रहे हैं कि साइन एक्स और dx जहाँ भी हैं, इसको हम यहाँ से उड़ा देंगे और इसके बदले में हम इसको रख सकते हैं, हालांकि यह 2 जो है आपका बाहर चला आएगा,
और यहाँ आपका cos x बच जाता है, तो चलिए cos x हम लिख देते हैं अभी, और sin x dx के बदले में dt, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस भी बाहर कर दीजिए, b है तो b को भी बाहर कर दीजिए। अब बाय हो जाएगा आपका, इस पूरे का वैल्यू t के बराबर है तो t का स्क्वायर। अब यहाँ समस्या रह गई cos x को क्या करें, तो cos x के लिए हम इस इक्वेशन वन को ज़रा सा सॉल्व कर लेंगे। तो इसको देखिए a प्लस बी cos x इक्वल टू आपका t दिया गया है, तो b cos x इक्वल टू t माइनस a लिख सकते हैं, और यह cos x इक्वल टू t माइनस a बाय b लिख सकते हैं। तो इसको हम t माइनस b t माइनस a बाय बी लिखेंगे, टी स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में है और यह डी टी और इसके पहले माइनस टू बाय बी आपका लिखा हुआ है। तो अब माइनस टू बाय बी, माफ़ करेंगे, माइनस टू बाय यह बी आपका बाहर आता है तो बी स्क्वायर हो जाता है, और इंटीग्रेशन टी माइनस ए बाय टी का स्क्वायर यह डी टी हो जाता है। इसको आप लिख सकते हैं माइनस टू बाय बी का स्क्वायर इंटीग्रेशन टी बाय टी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक बार टी को टी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं और एक बार ए को टी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, और यह आप डी टी यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यह माइनस टू बाय बी का स्क्वायर इंटीग्रेशन यह आपका वन बाय टी हो जाता है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं a इंटू टी पर पावर माइनस टू। अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ी आसान हो गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन जो है माइनस टू बाय बी का स्क्वायर लॉग मॉड टी लिख सकते हैं, अब फिर माइनस a इंटू टी पर पावर माइनस टू हैं तो यह वन बाय टी आपका आ जाएगा माइनस में, और इसके साथ c आपका ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो माइनस टू बाय बी का स्क्वायर और यह लॉग मॉड t लिखिए, अब प्लस a अब बाय t लिख सकते हैं, अब प्लस c। अब t का जो भी वैल्यू है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए, तो log mod t का जो वैल्यू है आपका a प्लस बी cos x अब प्लस a बाय a प्लस बी cos x प्लस c, तो यह आपका डिफरेंस इंटीग्रल हो जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए और 85 को देखिए, दोनों आपका इसी एक्सरसाइज में, यह जो एक्सरसाइज 2A में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो बनाए हुए हैं, तो इसमें कहता था कि इंटीग्रांट जो है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, तो हम लोग पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी को t पुट करेंगे, यही चीज़ हम लोग जान रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ भी, ये 3 माइनस फाइव एक्स पे पावर माइनस वन डी एक्स कर दीजिए इसको, और इसको आप 1 प्लस एक्स पे पावर क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। अब इसमें क्या पुट करना है हमको, 3 माइनस फाइव एक्स को t पुट करते हैं, तो 3 का डिफरेंशिएशन जो है क्या हो जाता है, 0 माइनस फाइव डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं, यह डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा डी टी बाय माइनस फाइव हो जाएगा। तो हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन यह टी पर पावर माइनस वन और यह डी टी बाय माइनस फाइव, यानी कि माइनस वन बाय फाइव। अब टी पर पावर माइनस वन का जो इंटीग्रेशन होता है यह आप इस तरह से समझिए, 1 बाय टी लिख दीजिए और डी टी लिख दीजिए, माइनस 1 बाय फाइव लॉग मॉड टी लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए माइनस 1 बाय फाइव लॉग मॉड के स्थान पर 3 माइनस फाइव एक्स रख सकते हैं, अब प्लस सी कर देंगे, यही आपका
इंटीग्रल हो जाएगा। सेम इसके साथ भी वही कंडीशन है, वन प्लस एक्स को आप टी मानेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी पर पावर हाफ डी टी लिख सकते हैं, और जो कि टी पर पावर थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू प्लस सी लिखते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग टू बाय थ्री टी पर पावर थ्री बाय टू प्लस सी लिख सकते हैं, और इस टू बाय थ्री को रहने देंगे, टी के जगह पे वन प्लस एक्स रख सकते हैं हम लोग, तो वन प्लस एक्स पर पावर थ्री बाय टू प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों प्रॉब्लम जो है यहाँ देने की ज़रूरत नहीं थी, इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग ऑलरेडी यहाँ इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन से लेकर टेन तक में बना चुके हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 86, 87 और 88 और 89 और उसके बाद आपका 92 भी ले लीजिए, 93 भी ले लीजिए। तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम देख रहे हैं आप, चलिए आपको बुक में मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 86 नंबर का फॉर प्रॉब्लम। तो 86 में हम क्या देख रहे हैं कि एक फंक्शन है और उसके साथ फंक्शन का डेरिवेटिव भी शामिल है। यहाँ भी स्पष्ट दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है जिसको हम लोग टी पुट करेंगे, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी इसमें समाया हुआ है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 88 में भी है, 89 में भी है। उसके बाद अगर 92 को देखते हैं तो देखिए टेन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इसमें समाया हुआ है। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, इस सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट अंडर ई टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स दिया गया है। तो इसमें आप क्या कोशिश करेंगे कि यह जो फंक्शन दिया गया है इसको टी मानेंगे, हो सकता है टी पर बन भी जाए और नहीं भी बने। ट्रायल एंड इरर तो ट्राई करेंगे तो इरर तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो इसमें जब ट्राई करके आप देखते हैं तो फाइनली हमको एक सिचुएशन ऐसा मिलता है कि अगर e टू द पावर x माइनस वन को हम t स्क्वायर मान लें, है ना, तो इस कंडीशन में हमको मिल जाता है e टू द पावर x dx इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन 2t dt मिलता है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं भाई, डिफरेंशिएट कर दिए हैं। और इससे जो है e टू द पावर x का वैल्यू t स्क्वायर माइनस ये प्लस वन हो जाएगा, तो dx का जो वैल्यू हो जाएगा 2t dt बाय e टू द पावर x, जिसको आप लिख सकते हैं 2t dt बाय t स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं। इस तरह से इंटीग्रल जो है आपका क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बदले में हम टी स्क्वायर रख सकते हैं, तो रूट अंडर टी स्क्वायर हो गया, और फिर यह आपका 2t भी इसके साथ आया हुआ है बाय टी स्क्वायर प्लस वन आया हुआ है डी एक्स के बदले में। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या करते हैं कि प्लस वन कर देते हैं और माइनस वन कर देते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में फ़र्क पड़ता है। जैसे टी स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर प्लस वन से, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, फिर माइनस वन को हम डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर प्लस वन से, ये आपका डी टी हो गया, तो ये कट के आपका वन हो जाता है। तो टू इंटू इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन आपको मिलता है, ये इंटीग्रल है ना। तो ये इंटीग्रेशन को जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया वन का एक बार, और एक बार इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर प्लस वन डी टी का इंटीग्रेशन हो गया। जब इसका वैल्यू आप रखते हैं तो इसको हम लोग एक्स लिख सकते हैं, और इसके बाद जो है
माफ करेंगे टी, इसको आप टी लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स टी प्लस सी। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि यह टू टी माइनस टू टेन इनवर्स टी प्लस सी मिलता है और टी का जो वैल्यू है आपका रूट अंडर ई एक्स माइनस वन है, माइनस टू टेन इनवर्स रूट अंडर ई टू द पावर एक्स माइनस वन है और फिर उसके बाद प्लस सी है। तो ये हमारा इंटीग्रल मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार ध्यान से देखिए शुरू से, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और यहाँ पर टी है और यहाँ पर देख रहे हैं कि टी स्क्वायर है, तो टी का जो वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 91 को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये प्रॉब्लम आपका दिया गया है। इसमें थोड़ा सा क्या काम करते हैं कि रूट एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एक्स के जगह पे रूट एक्स बच गया और रूट एक्स के जगह पे वन बच जाता है। क्योंकि एक्स का जो मतलब होता है तो दो बार रूट एक्स को हम समझ सकते हैं इस तरह से, ये जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो इसलिए एक बार हम कॉमन लिए तो एक बच गया यहाँ पे और रूट एक्स यहाँ से बाहर निकल गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको पुट कर देना है कि रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू जेड पुट कर देना है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अब क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आपको याद होगा कि वन बाय टू रूट एक्स होता है और यह डी एक्स हो गया इक्वल टू डी जेड हो गया। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू टू रूट एक्स डी जेड लिख सकते हैं। अब इसके बाद यह जो इंटीग्रेशन है आपका क्या बन जाता है, डी एक्स के बदले में हम रख दिए टू रूट एक्स डी जेड बाय, ये जो वैल्यू है रूट एक्स नीचे में और यहाँ जो वैल्यू है इसके बदले में हम लोग जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ रूट जेड आपका कट जाता है, तो टू इंटीग्रेशन डी जेड बाय जेड मिलता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टू लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी लिख सकते हैं। और यही चीज़ जो है आपका टू लॉग मॉड जेड का वैल्यू जो है रूट एक्स माइनस वन प्लस सी दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 आप देख सकते हैं कि 92 में आपको sec स्क्वायर एक्स टू टेन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया गया है। तो इसमें एक आपका फंक्शन है, यानी कि यह जो है फाई एक्स का एक फंक्शन है और हम देख रहे हैं कि फाई डैश एक्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है आपका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स को जेड पुट कर देते हैं। जेड पुट करते ही इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमको ये फॉर्म मिलता है। अब फिर ये पूरा चीज़ जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में डी जेड बाय टू हम लोग रख सकते हैं और सेक स्क्वायर हो गया और इसको हमने माना है जेड, तो sec स्क्वायर जेड डी जेड बाई टू और वन बाई टू आपका बाहर निकल गया और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वह tan z के बराबर होता है, इसलिए यह आपका हो जाता है हाफ tan टू tan इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। इसी तरह से यह क्वेश्चन नंबर आपका 93 भी है। जैसे ही आप इसको पुट करते हैं t और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका यह जो न्यूमरेटर में जो टर्म है ये हूबहू आपको मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इसके बाद जो है dt टी बाई टी लिख सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी होता है और टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तो 94 में आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा दिया गया है 1 माइनस टेन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स दिया गया है।
अब जब x प्लस लॉग कॉस एक्स को आप t पुट करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये आपको 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स देता है जो कि आपका न्यूमरेटर में है। तो ये सभी वैसे प्रॉब्लम हैं जिसमें किसी एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमको बड़ी आसानी से मिल जाता है और जो कि इंटीग्रांट का ही एक फैक्टर होता है। तो इसलिए हम इसको डी टी बाई टी प्राप्त करते हैं जिसको हम लोग लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस सी लिखकर इसका इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 भी कुछ इसी तरह का है। जैसे ही आप इस डिनोमिनेटर को लेकर जेड पुट करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ हो सकता है दिक्कत हो, यह लॉग साइन एक्स का जो है डिफरेंशिएशन, आपको याद होगा कि लॉग के साथ जो भी वेरिएबल होता है वो आता है वन बाय वेरिएबल, यानी कि वन बाय साइन एक्स हो जाएगा। चूँकि यह फंक्शन ऑफ फंक्शन का है तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वह आपका कॉस एक्स होता है, तो इसीलिए यह आपको मिल जाता है कॉट एक्स मिल जाता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉट एक्स हमको मिला, वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड मिलता है। अब इस पूरे के लिए वन प्लस कॉट एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स के लिए हम लोग डी जेड का उपयोग कर सकते हैं और नीचे में जो कुछ भी दिया गया है उसके बदले हम लोग जेड लिख सकते हैं। तो यह लॉग मॉड जेड हो जाता है, फिर जेड का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 96। तो हालांकि यह सारे प्रॉब्लम इजी हैं इसीलिए मैंने ये आप लोगों को के लिए सुविधा के लिए मैंने बना दिया है। तो जैसे इसमें हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को जेड पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन, जैसे देखिए टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो है आपका, यहाँ पर इसको हम लोग टी मान सकते हैं, टी का स्क्वायर, अब फिर टी इक्वल टू टेन एक्स, तो टी का स्क्वायर टू टी होता है डिफरेंशिएशन, और फिर इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। पहले इसका माइनस है तो ये माइनस आपका यहाँ चले आएगा, इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, और इस पूरा यह पूरा वैल्यू जो है आपका यहाँ पर हमको मिल रहा है, जिसके बदले में हम माइनस हाफ डी जेड रख सकते हैं और देखते हैं कि वन बाय जेड डी जेड ही आता है, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है माइनस हाफ लॉग मॉड जेड प्लस सी मिलता है हमको। इस तरह से हम लोग जेड का वैल्यू रख कर इंटीग्रल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 जो है उसी तरह से है, इसमें एक फंक्शन है आपका और इसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो यही देख लीजिए, फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप देख रहे हैं। तो जैसे इसको आप पुट करेंगे टू टेन इनवर्स एक्स को जेड, तो आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा और इसके बदले में आप डी जेड बाई टू पुट कर सकते हैं इसके बदले में। तो इसको जब रखते हैं और साइन के साथ जेड आ जाता है आपका, जिसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड होता है, फिर जेड का वैल्यू रख के हम इसका इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, हमको इसमें चाहिए एक डेरिवेटिव और फंक्शन, तो यहाँ हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह इंटीग्रेशन तो हमने लिखा ही, इसके बाद यह x पे पावर हाफ है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए x पे पावर 1 बाय 3 और इसको डिवाइड कर दिए x पर पावर 1 बाय 3, अब प्लस x पे पावर 1 बाय 3, इस तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं। लिखने के बाद देखिए इंटीग्रल का जो रूप हो जाता है, इसमें हम क्या करते हैं x पे पावर 1 बाय 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि x पे पावर हाफ बाय x पे पावर जो है 1 बाय 3 यहाँ बचता है, अब प्लस 1 आपका बचता है, ये सारा तो बाहर ही आ जाता है। तो इस तरह से dx बाय
एक्स पे पावर 1/3 इनटू, अब यहाँ पर देखिए याद होगा आप लोगों को, अगर इस तरह से पावर हो तो यह पावर जो होता है इस घट जाता है यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका एलसीएम 6 हुआ, 3 - 2 = 1/6 यानी कि एक्स पे पावर 1/6 हो गया, अब प्लस 1 हो जाता है। यही इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसको ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x इक्वल टू t पर पावर 6 पुट कर देते हैं तो dx का जो वैल्यू होता है 6 इंटू टी पर पावर 5 और यह dt आपको मिलता है। तो इसके लिए हम dx के लिए 6 टी पर पावर 5 dt लिख सकते हैं। अब देखिए x पे पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि x का जो वैल्यू है t पर पावर 6 है, तो t पर पावर 6 और 1/3 यानी कि t पर पावर 2 लिखेंगे, 3 × 2 = 6, दो बार में यह कट जाता है। x पे पावर 1/6 जहाँ है तो x के जगह पर t पर पावर 6 घुस गया आ गया, और यहाँ पावर है 1/6, 6 आपका कट गया तो सिर्फ t बच गया। तो अब देखिए इसका फॉर्म क्या हो जाता है, x पर पावर 1/3 को हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम लोग t लिख सकते हैं और इसको हम लोग 1 लिख के इस तरह से एक इंटीग्रल हम लोग इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ टी स्क्वायर है, टी पर पावर 5 है तो 6 हमारा बाहर निकल गया और 2t कटने के बाद t³ dt मिलता है, अब बाय टी प्लस 1 मिलता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ऊपर पे आपका पावर बड़ा हो नीचे में छोटा हो तो टी प्लस 1 से हम t³ को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर टी स्क्वायर आता है टी स्क्वायर प्लस t³ प्लस टी का स्क्वायर, माइनस हो गया माइनस हो गया ये कट गया, माइनस टी का स्क्वायर। अब अगले बार में हम माइनस टी खिलाते हैं तो माइनस टी का स्क्वायर प्लस माइनस आपको टी मिलता है, फिर उसके बाद यहाँ भी यह कट जाता है तो टी मिलता है यह आपका। तो इसको जो है एक बार में हम लोग खिला सकते हैं प्लस 1, तो 1 इंटू टी तो टी ही हुआ, अब प्लस 1 हो गया, ये माइनस और ये माइनस कट के माइनस 1 इसका रिमाइंडर बचता है। तो अब देखिए इसको लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि यह जो डिविडेंट है इक्वल टू डिवाइजर, भाजक गुना भागफल होता है, तो टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी अब प्लस 1 हो गया, अब प्लस क्या होता है आपका रिमाइंडर जो कि माइनस 1 दिया गया है आपका। अब इसके बाद क्या किए, t³ को डिवाइड कर दिए हम t प्लस 1 से, तो राइट साइड में भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, है ना, t प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, अब फिर माइनस 1/t + 1 हो जाता है। यहाँ तो ये दोनों कट जाता है तो इसमें हमको क्या मिलता है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1/t + 1 मिलता है। ये चीज़ मिलता है किसके लिए मिलता है भैया, ये मिलता है t³ t + 1 के लिए हमको मिलता है। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह जो आप इंटीग्रांट देख रहे हैं t³ by t + 1, तो इसके बदले में हम इसको रख सकते हैं, तो इसीलिए जो है अब इंटीग्रांट जो हो गया टी का स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1/t + 1 यह आपका dt इस फॉर्म में आ जाता है। अब इसको जो है आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलता है टी पर पावर 3/3, उसके बाद माइनस टी स्क्वायर बाय 2 मिलता है, प्लस टी मिलता है 1 का इंटीग्रेशन, माइनस लॉग मॉड टी प्लस 1 मिल जाता है प्लस सी, और सबके साथ जो है यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसको ध्यान से हम लोग लिखते हैं कि टी का वैल्यू आखिर क्या होगा, इस पर विचार करते हैं।
चूँकि x इक्वल टू टी पर पावर 6 माने हुए हैं, तो t का जो वैल्यू हो जाएगा x पे पावर 1/6 हो जाएगा। क्लियर है? अब जहाँ जहाँ t है वहाँ x पर पावर 1/6 रख दीजिए आप। तो ये हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स पे पावर 3/6 लिख सकते हैं, बाय 3 माइनस एक्स पे पावर 2/6 लिख सकते हैं, बाय 2, अब प्लस टी के लिए एक्स पे पावर 1/6 लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड एक्स पे पावर 1/6 अब प्लस 1 मॉड अब प्लस सी लिख सकते हैं। अब इसको जरा सा सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद ये 3 2 6 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स पे पावर 3 2 6, तो यह एक्स पे पावर हाफ आता है आपका। अब फिर माइनस यह 6 से इसको मल्टीप्लाई होगा, 2 से यह कटेगा तो 3 बच जाएगा और यह एक्स पे पावर जो है 1/3 मिल जाएगा। 2 3 6 3 बार में यह कट जाता है। फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब फिर यह 6 इंटू एक्स पे पावर 1/6 मिल जाता है आपको। इसके बाद माइनस 6 इंटू लॉग मॉड एक्स पे पावर 1/6 प्लस 1 मिलता है प्लस सी। तो यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह 98 नंबर का जो प्रॉब्लम है आपका, यह थोड़ा सा देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब इसको बनाते हैं तो आपको इतना सा मेहनत करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 99 है, यह प्रॉब्लम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम है। तो अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब पढ़ लेंगे तब जानेंगे। हालांकि हो सकता है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट जान रहे होंगे, तो जान रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दीजिए। तो इसमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं साइन टी इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें, जैसे कि साइन टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस टी हमको डी टी मिलेगा इक्वल टू डी एक्स मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन में डी एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस टी डी टी लिख सकते हैं। और यह जो साइन इनवर्स एक्स है तो इसके जगह पे हम लोग टी लिख सकते हैं, यानी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का फंक्शन मिलता है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन और यह आपका एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के एग्जाम्पल नंबर के प्रॉब्लम में, एग्जाम्पल के नंबर 14 में आप देखिएगा तो इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 को देख सकते हैं, जिसमें आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स दिया गया है। तो उसी तरह से हम इस पे पुट करते हैं और हमको इंटीग्रल टी स्क्वायर कॉस टी डी टी मिल जाता है। और इसके बाद जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो अभी आप लोगों को समझाया नहीं है। अगर आप जानते होंगे तो याद होगा कि आइलेट मतलब कि यहाँ पर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि पहला फंक्शन कहलाएगा और कॉस टी जो है आपका दूसरा फंक्शन कहलाएगा। तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट रख के दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर टोटल का इंटीग्रेशन लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो हमको इंटीग्रल प्राप्त होता है ये होता है। अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से इसको समझ लेंगे। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। तो क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए बहुत आसान सा प्रॉब्लम है यह। 100 में आपका दिया गया है क्या कि इंटीग्रेशन 2x टेन इनवर्स x का स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 4 डी एक्स ये दिया गया है। इसमें जैसे आप पुट करते हैं टेन इनवर्स x स्क्वायर को t
टी पुट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 + x² का होल स्क्वायर। अब फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है 2x होता है इक्वल टू आपका dt हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरह से 1/1 + x^4 और इसके साथ 2x dx इक्वल टू dt आपका। अब देखिए यह पूरा सेट हमको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है और इसके बदले जो है हम लोग t को रख सकते हैं तो यह बन जाता है आपका dt बन जाता है t dt, तो जिसका इंटीग्रेशन जो होता है t²/2 होता है, तो इसलिए हमारा यह हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, यह जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 101, ये आपका स्पेशल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, स्पेशल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। हालांकि इसको यहाँ पर नहीं देना चाहिए था, स्पेशल इंटीग्रेशन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो चलिए अगर दे दिया है तो मैं यहाँ के लिए आप लोगों को सॉल्व कर देता हूँ, हो सकता है आपको पहचानने समझने में दिक्कत हो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखिए आप लोग कि इंटीग्रेशन a² + x² का जो इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c होता है। ये चीज़, ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रेशन में जाकर, तो अभी इसको यूज हम लोग कर लेंगे फॉर्मूले के तरह। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बचता है, x² बाहर निकल गया, अब प्लस 1/x² dx आपको मिल जाता है। अब इससे हम लोग x² कॉमन लेते हैं तो x² + 1/x² यहाँ पे आपको मिलता है। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि सर इस x² + 1 में 1 से आप कैसे निकाल लिए x² को, तो 1 के साथ हम क्या किए कि x² से मल्टीप्लाई भी कर दिए, x² से डिवाइड भी कर दिए। तो अब देखिए x² अगर हम निकालते हैं तो यहाँ तो 1 बचा और यहाँ x² निकलने के बाद 1/x² बच जाता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ वैसा ही रूल इसके साथ भी किया गया है, तो ये दोनों आपका कट जाता है। अब क्या करते हैं कि 1 + 1/x² यह आपका dx रहने दिए। अब क्या किए कि 2 इसके साथ हम ज़बरदस्ती जोड़ दिए, तो क्या करना पड़ेगा, 2 हमको माइनस भी करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या कहते हैं बैलेंस बन सकता है, यह +2 - 2 कट के फिर इतना ही हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, x² + 1/x² - 2 × x × 1/x तो लिख ही सकते हैं आप, जिसका जो वैल्यू हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब 1 + 1/x² और यह dx हुआ और उसके बाद यह 2 है, तो ऐसा काम करते हैं √2 लिख के होल स्क्वायर हम लिख दिए, अब प्लस x - 1/x का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें हम लोग को पुट कर देना है x - 1/x को t पुट कर देना है, x का जो डेरिवेटिव होता है 1 और 1/x का डेरिवेटिव +1/x² तो dx इक्वल टू आपको dt मिल जाएगा। तो ये पूरा चीज़ न्यूमरेटर में आपका आ गया, इसके बदले में हम लोग dt रख सकते हैं और इसको आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए आपका यही चीज़ आएगा। तो इसको हम dt/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस t का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह जो है आपका चला गया इस फॉर्मूले पर, देखिए कुछ इसी तरह का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 tan इनवर्स t/√2 + c लिख सकते हैं। अब t का वैल्यू आप लोग रख दीजिए तो tan इनवर्स t का जो वैल्यू हमने माना है, यही माना हुआ है x + 1/x माना हुआ है, तो x - 1/√2 + c हो जाता है। और इसी को ज़रा सा सॉल्व अगर कर दें
तो आपका क्या मिल जाएगा? देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वन बाय रूट टू टेन इनवर्स वन बाय रूट टू इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स अब प्लस सी लिख सकते हैं। तो यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर अभी इसमें कन्फ्यूजन है तो आगे जब हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी ठीक तरह से इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो इस प्रॉब्लम में जो कुछ भी करना है इस डिनोमिनेटर के साथ ही करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर में आपका साइन 2x दिया गया है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x लिख सकते हैं। क्या किए, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 किए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1 माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन 2x हो गया आपका। 1 के बदले में हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x रख सकते हैं, और साइन 2x के बदले में 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं। और इसके पहले 1 है और यह आपका रूट के अंदर में है। अब देखिए यह चीज़ जो है आपका हो गया 1 माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है यह। तो अब इसको जो है हम लोग साइन x प्लस कॉस x और यह आपका dx हो गया, और इसके डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे आप पुट करेंगे साइन x माइनस कॉस x को t पुट करते हैं तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x, अब फिर कॉस x का माइनस साइन x होता है, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो यह आपका प्लस में हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो गया, जो कि आपका डिट्टो ऊपर पे मिल गया। तो इसलिए हमारा dt बाय रूट अंडर 1 माइनस t का स्क्वायर आया, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स टी होता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी। अब टी इसको जो है हमको लिखना है टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग अभी नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर जो है हमारा साइन इनवर्स में नहीं दिया गया है, वह टेन इनवर्स में दिया गया है। तो साइन इनवर्स टी को हम लोग क्या करते हैं, टेन में कन्वर्ट करते हैं। तो टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है पी बाय एच होता है, तो टी बाय वन हो गया यह आपका। अब टेन थीटा का वैल्यू इससे निकाल लीजिए जो कि आपका पी बाय बी होता है, तो पी का तो वैल्यू आपका टी है, पी का वैल्यू जो है आपका टी है, और बी का जो वैल्यू है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, तो वन माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा और यह रूट के अंदर में आ जाएगा। तो इस तरह से साइन इनवर्स इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टी बाय रूट अंडर वन माइनस टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टी बाय रूट अंडर वन माइनस टी का स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को कि टी का वैल्यू रख देना है, तो टी का जो वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो चलिए रखते हैं टेन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, अब बाय रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, अब प्लस सी हो गया। अब एक काम कीजिए, इसमें
कि यह चीज़ जो है आपका देख रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये कहाँ से आया था भैया? ये यही चीज़ बना था। तो कहने का मतलब कि इसके लिए हम ये चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेन इन्वर्स तो लिखेंगे ही, और यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, और डायरेक्ट इसको हम लोग साइन टू एक्स लिख देंगे। क्लियर है? अब साइन टू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन टू एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए स्टेप वाइज हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो यह टेन इन्वर्स हो गया आपका, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय रूट अंडर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया आपका। अब क्या किए इसमें, ऊपर भी हम डिवाइड कर दिए कॉस एक्स से, और नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया कॉस एक्स से। तो ये आपका हो जाता है, कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो यह टेन एक्स हो जाएगा, अब माइनस वन हो जाएगा, अब बाय। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर जो है टू हैं और साइन एक्स हैं। अब यहाँ कॉस एक्स से डिवाइड किए और रूट के अंदर में यह जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। रूट के अंदर में यह घुसेगा आपका, डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से और रूट के अंदर में जाएगा तो ऑटोमेटिक है यह दुगुना हो जाएगा। इससे आपका एक कॉस एक्स कट जाता है, तो नीचे बचता है टू टेन एक्स बच जाता है। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो कि आपका टेन इन्वर्स और टेन एक्स माइनस वन बाय रूट अंडर टू टेन एक्स लिख सकते हैं, प्लस सी लिख सकते हैं। हालांकि आप एग्ज़ाम में अगर यहाँ तक ही बना के छोड़ देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटता है, और यह जो है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ रूल लगा के हम लोग इस फॉर्म रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं, इस रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखिएगा। 102 जो है, मान लीजिए 50% आया है तो 50% लिखिएगा। अगर आपको यह 100% समझ में आता है तो 100% लिखिएगा, लिखिएगा ज़रूर। मैं फिर से कोशिश करूँगा कि इसको आप लोगों को समझा दूँ अगर समझ में नहीं आया है तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 देख रहे हैं। e टू दी पावर टेन इन्वर्स एक्स है बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है। पता नहीं इस तरह का प्रॉब्लम कितना आप लोग बनाए होंगे। जैसे आप लोग पुट करते हैं टेन इन्वर्स एक्स को t पुट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आपको मिलता है। तो e टू दी पावर t हो गया और यह डी टी हो गया, e टू दी पावर t प्लस c आया आपका, है ना, e टू दी पावर टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी, यही आपका इंटीग्रल हो गया। तो इस तरह से आपका इस एक्सरसाइज टू ए में आप देख सकते हैं इसमें हर एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। अगर एक दो प्रॉब्लम छोड़े भी हैं तो वह सेम प्रॉब्लम है, उसका डिस्कशन हमने ज़रूर किया है। तो इस तरह से यह आपका एक्सरसाइज 2A 103 तक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसी के साथ अब वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।